नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजू टारगेट में। जैसे कि आप सब जानते हैं, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियंस का रेगुलरली फाइनल रिजल्ट आ रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन सब की लिस्ट आई हुई है। मैक्सिमम जोन्स की लिस्ट आ चुकी है, कुछ एक जोन को छोड़ के, जैसे कि मुंबई हुआ, ऐसे ही कुछ एक दो जोन और हैं, कोलकाता हुआ, ऐसे जोन को छोड़ के, कुछ एक जोन को छोड़ के बाकी मैक्सिमम जोन्स की कट ऑफ लिस्ट, मतलब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो आ चुकी है। अभी तक ना ही तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट की कट ऑफ बताई है, ना ही कुछ और बताया, लेकिन हमने हमारे जिस चैनल पर एजू टारगेट चैनल पर काफ़ी सारे जोन्स की कट ऑफ लिस्ट प्रिपेयर करके आपको बता रखी है, जो कि आप जा कर के हमारे प्ले लिस्ट में असिस्टेंट आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के प्ले लिस्ट के अंदर जा कर के चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज एक और नया नोटिफिकेशन आया है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के रिगार्डिंग आरआरबी की तरफ से। ओके फ्रेंड्स, एक नया नोटिफिकेशन आ रखा है आरआरबी में असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के रिगार्डिंग शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि किस बिहाफ पे कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया होगा, डेफिनेटली मेल किया होगा कि हमारे को बताइए कि किस बिहाफ पे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को कॉल किया है। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ एक पॉइंट्स कंसीडर करते हुए काफ़ी सारे पॉइंट्स का इन्होंने जवाब देने की कोशिश करी है अपने नोटिफिकेशन के थ्रू। तो पहला जिन्होंने जो पॉइंट कंसीडर किया, द लिस्ट ऑफ रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैव बीन पब्लिश्ड एज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ऑन आरआरबी वेबसाइट्स, यानी कि आरआरबी की वेबसाइट पे कैंडिडेट जो भी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनकी लिस्ट आरआरबी की वेबसाइट पे आपकी अपलोड कर दी गई है। रोल नंबर, द रोल नंबर आर अरेंज्ड हॉरिजेंटली इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। आपके जो रोल नंबर हैं वो हॉरिजेंटल असेंडिंग ऑर्डर में है, ना कि आपकी मेरिट के हिसाब से आपके रोल नंबर। ओके फ्रेंड्स, द पब्लिश लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पब्लिश लिस्ट फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट द पब्लिश एक सेकेंड फॉर द पोस्ट ओके लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड ओके यहाँ पर एक सेकेंड द रोल नंबर एंड ओके अरे ओरिजेंटली पब्लिश लिस्ट ऑफ ओरिजेंटल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग 50% एडिशनल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अवेल ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड अबव द रिवाइज वैकेंसीज पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑफ आरआरबी। यानी कि आपकी जो लिस्ट बनाई गई है वो 50% एडिशनल कैंडिडेट को प्रिपेयर करते हुए बनाई गई है, इनकी तरफ से ये कहना है। ओके, यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है जितनी वैकेंसीज थी। तो अभी इनकी तरफ से तो यही कहना है, लेकिन आपको भी पता है कितने कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया गया है। एडिशनल कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू मेक गुड टू शॉर्टफॉल अराइजिंग आउट ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एंड आफ्टर फर्निशिंग ऑफ पैनल टू रेलवे हेयर हिंस द कट ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज नॉट पब्लिश्ड एज द कैटेगरी वाइज कट ऑफ विल अंडरगो कंप्लीट चेंज आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन्होंने बताया है, इन्होंने रीज़न दिया है कि इन्होंने कट ऑफ क्यों जारी नहीं करी है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कट ऑफ क्यों इन्होंने जारी नहीं करी है। ये इसलिए नहीं करी है क्योंकि आपकी अभी जो कट ऑफ है वो आपकी कट ऑफ बन नहीं सकती, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है, तो उनमें से कुछ एक मेडिकल में आउट हो जाएंगे, कुछ एक डॉक्यूमेंट्स में आउट हो जाएंगे, तो आपकी जो पर्टिकुलर कट ऑफ जो बनेगी कैटेगरी वाइज और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, ओके कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, जब आपका फाइनल, जब आपकी मेरिट बनेगी उसके साथ में ही आपकी कट ऑफ भी ये बता देंगे पब्लिश ओनली आफ्टर द फाइनल पैनल इज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ आरआर। यानी कि आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में, मेडिकल होने के बाद में आप फाइनल जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे, उसके अंदर आपकी ये कट ऑफ बताएंगे कि किस कितनी कट ऑफ पे लास्ट कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन कैंडिडेट का हुआ है किसी भी जोन से फॉर किसी भी कैटेगरी और किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। कैंडिडेट कैन आल्सो व्यू देयर शॉर्टलिस्ट स्टेटस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी। इन्होंने बोला है कि जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया गया है उनका इन्होंने स्टेटस अपलोड कर दिया है उनके लॉगिन आईडी पे, वहाँ पर जाकर के वो देख सकते हैं उनकी जो स्टेटस है, स्टेटस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उनका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, जिनका भी रिजल्ट आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक तो हाल फिलहाल सभी जोन्स का रिजल्ट नहीं आया, जिन भी रिजल्ट्स का जोन्स का रिजल्ट आ चुका है उन जोन्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी लिस्ट जो आपको स्टेटस है वो अपडेट कर दिया गया है कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर शॉर्टलिस्टेड और नॉट शॉर्टलिस्टेड। ओके फ्रेंड्स, और जो जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, उनके आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो आप अपना एडमिट कार्ड देख कर डाउनलोड करके देख सकते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं साथ में। नेक्स्ट, इन्होंने बताया हैज़ बीन डन कंसीडरिंग द फॉलोइंग। ओके, अब इन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर,
वो कई चीज़ों को मतलब कंसीडर करते हुए किए हैं, प्रायोरिटी ऑफ वेरियस पोस्ट उसमें से पहला। ओके टू सेकंड पॉइंट आइए, सेकंड पॉइंट के अंदर अपन देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। ओके प्रायोरिटी ऑफ वेरियस पोस्ट फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जिस हिसाब से आपने प्रायोरिटी दी थी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हुए, उस प्रायोरिटी के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। यानी कि आपने मान लीजिए टेक्नीशियन पहले भरा था, ELP बाद में भरा था, और अगर आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो तो आपको पहले टेक्नीशियन दे दिया गया है, और अगर आप टेक्नीशियन भरा था ELP भी भरा था और आप टेक्नीशियन में एलिजिबल नहीं हुए देन आपको ELP प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा हुआ इनके अंदर। ओके अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो। ओके नेक्स्ट इन्होंने बोला सिक्योरिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 35% इन पार्ट बी, यानी कि जिसके भी पार्ट बी में मोर देन 35% मार्क्स सिक्योर कर रहा है और क्वालिफाई कर रहा है उसी का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम है। जिस भी कैंडिडेट का लेस देन 35% पार्ट बी के अंदर आ रहा है उसको, जो इनके टेक्निकल पोर्शन था 35% मार्क्स उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, जिसके भी उससे कम आ रहा है उसको लिस्ट में उसका नाम नहीं है। फॉर ALP पोस्ट टोटल 70% फॉर सेकेंड स्टेज CBT पार्ट ए स्कोर एंड 30% ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट टी स्कोर आर कंसिडर्ड, यानी कि 70% आपके जो मार्क्स हैं वो सेकेंड स्टेज का जो CBT का जो पार्ट ए, यानी कि जो आपका नॉन टेक का जो पार्ट था उसका 70% मार्क्स उसमें से कंसिडर किए जाएंगे, और 30% मार्क्स आपके एप्टीट्यूड टेस्ट टी स्कोर के बेस पे जो आपका साइकोलॉजी टेस्ट हुआ है उसके जो 30% मार्क्स उसके कंसिडर किए जाएंगे, देन आफ्टर आपकी फाइनल स्कोर के हिसाब से आपका आपकी लिस्ट प्रिपेयर हुई है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया है द टेक्नीशियन पोस्ट ओनली टू स्टेज CBT पार्ट ए स्कोर इज कंसिडर, और जो टेक्नीशियन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको सिर्फ सेकेंड स्टेज के CBT पार्ट ए, पार्ट बी का उनका नहीं कंसिडर किया गया है, ओनली पार्ट ए का स्कोर ही कंसिडर किया गया है। ओके जो कि आपका नॉन टेक का था। थर्ड पॉइंट इनका इनकी तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड एट द प्लेस इंडिकेटेड इन द ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर शेड्यूल द कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे विल बी सेंट ऑन ईमेल एंड SMS टू डाउनलोड द ई कॉल लेटर एंड विद द डिटेल ऑफ डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शंस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी का जो आपका जो ई कॉल लेटर आप SMS में आपको लिंक दे दिया जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपका ने जो ईमेल ID प्रोवाइड कर रखी होगी एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर के उस लिंक के थ्रू आप ई कॉल लेटर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी या तो आपने के पास में ईमेल आ जाएगा, नहीं तो SMS आ जाएगा, नहीं तो आप अपनी लॉगिन ID से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फोर्थ पॉइंट इन्होंने जो कि इंपॉर्टेंट डार्क कलर करके आपको बता रखा है, कैंडिडेट मे नोट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट द नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल लोकेटेड इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ RRBs। दिस विल ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रैवल फ्रॉम RRB टू द सिटी ऑफ रेलवे हॉस्पिटल अकॉर्डिंगली। कैंडिडेट हैव टू कम प्रिपेयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट एक दिन बाद में ही आपका, या फिर 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका मेडिकल, या फिर उसी दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर जाना होगा आपके जो सिटी सेंटर है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वहाँ पर, यानी आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा देन फर्दर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने अंडरलाइन करके दिया हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपके साथ साथ में। दिस विल आल्सो इन्वॉल्व ट्रैवल फ्रॉम RRB टू द सिटी ऑफ रेलवे हॉस्पिटल, यानी आपको जो सिटी है वहाँ से रेलवे हॉस्पिटल के लिए ट्रैवल करके खुद जाना होगा। ओके नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इन्होंने जो कंसिडर किया है वो इन्होंने किया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 2 सेट ऑफ Xerox कॉपीज इन A4 साइज एज डिटेल इन द SAN एंड ई कॉल लेटर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से कैंडिडेट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, उनका क्या फॉर्मेट है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ कंसिडर कर रखा है और सब कुछ बता रखा है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, जैसे कि आपके 10+2 मार्कशीट, 10th मार्कशीट, ओके 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, आपका डिग्री है, डिप्लोमा या फिर ITI का जो भी सर्टिफिकेट है, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, अगर आपका फुल टाइम 2 साल का या 3 साल का एक साथ है तो एक साथ लेके जाना है, जैसे भी आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका क्या बोलते हैं, अगर किसी ने फीस में रिलैक्सेशन लिए तो उनका क्या बोलते हैं उसका सर्टिफिकेट हो गया, NOC सर्टिफिकेट हो गया एक्सर्विसमैन का, तो सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में मैंने उनका फॉर्मेट भी बता रखे हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ में आपको 2 कॉपी जेरोक्स कॉपी लेके जानी है सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड करके A4 साइज के पेपर पे। ओके सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने कंसीडर कर रखा है फ्रेंड्स, वो भी देख लेते हैं। कैंडिडेट ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज लेबल टू कैंसल
at any stage of a recruitment offer or thereafter in case of any inconsistency deficiency in the data furnished by them in their online application or any malpractices on the part of candidate coming to the notice of at RRB at any stage of the recruitment process. It may be noted that merely calling a candidate for document verification does not enter him her in any way to an appointment in the railway. यानी इन्होंने कहा गया है जो document verification के अंदर आपका जो roll number या नाम आया है ये आपको कोई selection नहीं दे रहा है. ये अभी आपका आपका shortlisted candidate का provisional list है. इसमें हो सकता है आपको ये बाहर भी निकाल सकते हैं, हो सकता है इन भी कर सकते हैं. इन्होंने बोला है कि जैसे कि अगर मेल प्रैक्टिसेस आप करके जाते हो, यानी आप कुछ भी धोखाधड़ी का केस करते हो आरआरबी के साथ में, जैसे कि इन्होंने 6x6 आईसाइट बोल रखा है विदाउट बिना कोई लैसिक की सर्जरी या फिर कोई भी टाइप की सर्जरी करवा के, आपको एलिजिबल नहीं है आरआरबी एएलपी के अंदर. अगर आप कोई वहाँ पर सर्जरी करवा के जाते हो और अगर उनके पकड़ में आ जाता है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ रिगार्डिंग एक्शन लेते हैं और आपको वहाँ से आपका कैंडिडेशन कैंसिल कर देंगे फाइनली. फ्रेंड्स, तो इस टाइप के काफ़ी सारे इनके पास में नॉर्म्स होते हैं जिनके हिसाब से ये फाइनल जो लिस्ट होती है उसको प्रिपेयर करते हैं. 7th पॉइंट इन्होंने कंसीडर किया, व्हाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आरआरबी रिजर्व द राइट टू रिक्टिक्ट एनी इनएडवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग मिस्टेक आरआरबी रिगार्डिंग इनएबिलिटी टू एंट्री एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स. यानी अगर आप क्या बोलते हैं, इनके पास में फुल रिजर्व एंड राइट्स है कि इनकी तरफ से अगर कोई भी गलती हो जाए तो ये सुधार सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई भी गलती हो जाए तो ये आपका कैंडिडेशन कैंसिल कर सकते हैं. तो मतलब इनकी तरफ से गलती हो जाए तो इनके लिए पूरा परमिट है, लेकिन आपकी तरफ से अगर कहीं पर भी एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हुए किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी कोई गलती होती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा. 8th पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीवार ऑफ द ट्रुथ who was misguided the candidate with false promise of getting their selection for the job on illegal consideration. The recruitment process in the RRB exam is fully computerized and the selected is based purely on the merit of candidate. Yani inki taraf se kaha gaya hai ki jo bhi RRB ka procedure hota hai wo purely computerized hota hai, isme koi bhi dhoka dadi wala case nahi हो सकता. अगर आपसे ऐसा कोई फॉल्स प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे 1,00,000 रुपये लेकर के आपको सिलेक्शन दिलवा दूंगा, 2,00,000, 3,00,000 जितने भी रुपये लेकर के आपको मैं आपका सिलेक्शन दिलवा दूंगा या फिर आपको लिस्ट के अंदर कर दूंगा या बाहर कर दूंगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, वो आपको फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है. फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता, इनकी तरफ से इन्होंने ये कहा है. 9th पॉइंट इन्होंने कंसिडर किया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द अपडेट. यानी आप रेगुलरली आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करते रहें फर्दर एनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, या फिर कोई भी नोटिस अगर आएगा तो आपको आपकी आरआरबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा. फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. और भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस रिगार्डिंग टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने डाल रखे हैं, जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं. सो जिसको भी वीडियो पसंद आता हो इस वीडियो को लाइक करिए. जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इसी तरीके के और भी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस रिगार्डिंग टू आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एंड एनटीपीसी जेईई के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा. सो आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आपको क्या लगता है कॉमेंट में आप अपनी बात रख सकते हैं, आपके लिए कॉमेंट ओपन है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड.